हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए रेलवे पुलिस भर्ती फिरका की ऑफिशियल अपडेट लेकर आए हैं। न्यू वैकेंसीज लेकर आए हैं। आरपीएफ से एक लेटर जो है डिपार्टमेंट जारी हुआ, इस लेटर में आपको कितनी वैकेंसीज बताई गई है वो डिटेल्स हम आपको बताएंगे। कब से फॉर्म स्टार्ट होगा, तो ये जो आरपीएफ की न्यू वैकेंसीज हैं और टोटल ओपन नंबर वैकेंसीज यहाँ आपकी बताई जा रही है। 10,000 पदों पे सीधी भर्ती फिरका का ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा। कितनी दौड़ होगी वो भी हम आपको बताएंगे, कितनी हाइट होगी वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ रखी जाएगी 10th पास। यदि आप 10वीं पास हैं तो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। महिला पुरुष दोनों के लिए जो है वैकेंसीज अलग अलग निकल दी है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे कैसे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो अपडेट निकल के आ रहा है रेलवे की ओर से, ये आपको बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ये जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है इसमें आपको ये डिटेल्स बताई है। 22-23 यानी कि ऑब्लिक 22-23 का नोटिफिकेशन है। रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स लेवल 3 of 7 CPC के तहत आपको इसमें जो वेतन वगैरह है वो मिलता है और अन्य जो सीक्रेट बताते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये जो वैकेंसीज है लेवल जो 7 के अनुसार आपको इसमें वेतन मिलेगा 21,000 रुपये। लेकिन ये जो वैकेंसीज है ये अप्रोक्स आपकी 10,000 वैकेंसीज है, 10,000 पदों पर इस वैकेंसी को निकाला गया है। इसके बाद यहाँ आपको एक वैकेंसीज और भी बताई जा रही है, SSC CGL की वैकेंसीज भी आई है 20,000 पदों पर, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आपको काफी सारी और अपडेट बताएगी इस नोटिफिकेशन में। तो आपको फिर आपको बताएं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन लेवल 3 of 7 CPC के तहत जो आपको वेतन मिल रहा है उस पोस्ट के लिए ये अप्लाई है। इसमें आपको बताएं इन रेलवे वैकेंसी प्रोटेक्शन फोर्स RPF जो अलग अलग जोन है, अलग अलग जोन से वैकेंसीज आपको मिल रही है। ऑफ इंडियन रेलवे एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स से ये वैकेंसीज आपको मिल रही है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसमें बताया है ए इंडियन सिटीजन भारत का कोई भी नागरिक इस रिक्रूटमेंट में फॉर्म अप्लाई कर सकता है, आरपीएफ का जवान बन सकता है। यानी कि भारत का कोई भी नागरिक आप सभी राज्यों से ये फॉर्म अप्लाई करके आरपीएफ जवान बन सकते हैं। इसके बाद रेलवे पुलिस बल में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या 10th पास है। यदि आप 10वीं पास है तो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसमें और कोई अन्य एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको नहीं देखने की मिलेगी। और इसके बाद आपकी एज 18 से लेकर 25 वर्ष है, लेकिन छूट मिल रही है 5 और 3 साल की, ये छूट आपको इस रिक्रूटमेंट में मिल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स यदि आप ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हो और इसमें आपकी हाइट होना अनिवार्य है, आप देख सकते हो फिजिकल जो आपका कैसे होगा वो डिटेल्स आपको यहाँ बताई गई है। यूआर ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है, फीमेल की है 157। ये जो दो कैटेगरी है यूआर और ओबीसी की, तो यहाँ जो मेल और फीमेल की अलग अलग हाइट है। इसके बाद चेस्ट है 80 to 85 सेंटीमीटर। इसके बाद SC ST अभ्यर्थियों को 160 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है, 152 जो है महिलाओं के लिए। और चेस्ट है क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर, 81.2 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होना अनिवार्य है। इसके बाद जो गोरखा है इसमें आपके डोंगरा है, ये अन्य जो जातियाँ हैं उनके लिए 163 सेंटीमीटर है, 155 सेंटीमीटर है हाइट, और इसमें चेस्ट वगैरह 80 to 85 सेंटीमीटर, यानी कि जनरल और ओबीसी के सेम आपको यहाँ बताया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आपको डिटेल्स में समझाया गया एज की गणना, एज की गणना तो इसमें आपकी एज की गणना की जाएगी 1 जुलाई या 1 जनवरी से, यानी कि जब ये नोटिफिकेशन प्रकाशित होगा उस मंथ का जो एवरेज जो एज है वो निकाला जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आपको डिटेल्स में समझाया गया है, इसमें आवेदन फीस संबंधी डिटेल्स है, कैसे अप्लाई करना वो डिटेल्स है, और एक्स सर्विसमैन के लिए क्या सुविधा है वो आपको यहाँ बताई गई है, और इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ बताई गई। इस वेबसाइट से जो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, अन्य किसी भी वेबसाइट से आपका ये फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद आपकी इसमें ऑनलाइन एग्जाम होगी, एग्जाम का जो समय होगा वो 90 मिनट का होगा और क्वेश्चन 120 होंगे। आपका सिलेबस भी यहाँ आपको बताया गया है, तो सिलेबस भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद आपकी दौड़ कितनी होगी, तो दौड़ आपकी यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स से 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड का समय आपको मिलेगा, क्योंकि पिछली बार भी काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दौड़ नहीं कर पा रहे थे रेलवे में, क्योंकि रेलवे में एक तो आपको एज में छूट मिलती है, एज में छूट मिलती है, तो काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस रिक्रूटमेंट की दौड़ ही नहीं कर पा रहे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इस दौड़ की तैयारी करना है। रेलवे पुलिस में यदि आप लगना चाहते हो तो यहाँ से आपको पहले दौड़ को क्वालिफाई करना होगा। 1500 मीटर की जो रेस है 5 मिनट 45 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा। फीमेल के लिए जो है आप केवल 800 मीटर का जो रेस है वो होगा 3 मिनट 40 सेकंड में। लॉन्ग जंप है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 14 फीट है, महिलाओं के 9 फीट है। हाई जंप है 4 फीट 3 फीट जो महिलाओं के लिए। तो ये फिजिकल है, ये आपको फिजिकल सबसे पहले करना है, यानी कि इसमें जो परीक्षा के बाद आपका फिजिकल होगा, लेकिन सबसे पहले आपको दौड़ की तैयारी करनी है। दौड़ के बाद आप रिटर्न की तैयारी कर सकते हैं, रिटर्न भी इसका हार्ड होता है, तो ये नहीं है कि रिटर्न ईजी होगा। इसके बाद यहाँ काफ़ी सारी और अपडेट आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में बताई गई है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना अनिवार्य है। तो यहाँ 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, SC ST कार्ड सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास, तो वगैरह वगैरह डॉक्यूमेंट्स यदि आपके पास हैं
तो आप रेलवे के लिए अप्लाई कर पाएंगे। भी आप देख सकते हो, ये लखनऊ से न्यूज प्रकाशित हुई है कि रेलवे में 10,000 महिला आरपीएफ कर्मियों की भर्ती को हरी झंडी मिल चुकी है और ये रिक्रूटमेंट आपका दिसंबर तक इस भर्ती प्रक्रिया की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हो दिसंबर से इस भर्ती प्रक्रिया की जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसके बाद महिलाओं को जो है ट्रेनों में लगाया जाएगा। और यहाँ आपको बताया गया, आप देख सकते हो अधिसूचना कब जारी होगी इस रिक्रूटमेंट की, तो अधिसूचना आप देख सकते हो जारी होगी रेलवे की हरी झंडी दिसंबर में शुरू हो जाएगी भर्ती प्रक्रिया, ट्रेनों में महिला स्कॉट की तैनाती भी की जाएगी और ये जो वैकेंसीज है जल्द आने वाली है, तो सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है और इसमें जल्द ही ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे सबसे पहले आपको इस वैकेंसी की जानकारी मिल जाएगी, घर बैठे आपको जानकारी मिलती है क्योंकि ऑलरेडी 17 लाख स्टूडेंट इस चैनल पर जुड़े हुए, तो आप भी जुड़ जाइए। फ्री फीस जो है आपकी यहाँ रखी जाती है, किसी प्रकार की फीस आपको नहीं देनी है। जुड़ने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन पे आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना है और जो सभी वीडियो जो जारी होते हैं वो आपको कंटिन्यू वॉच करने हैं। तो यहाँ देख सकते हो काफी सारे रूल्स इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपको बताया गया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेटी जो के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।